हम लोग मालूम नहीं क्यों और किस तरह कब ये समझ बैठे कि दुआ ही सब कुछ है। हम सभी कुरान पाक कसरत से पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। मेरे नजदीक तो ये है कि तमाम कुरान एक ही बात की तरफ इंसान को बुलाता है, और वो है कि हर काम में जद्दोजहद और मेहनत और फिर अल्लाह से दुआ। लेकिन हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि हम ये समझे हैं कि हर चीज दुआ है। अगर कहीं बिल्कुल ही मजबूरी हो जाए तो हम कुछ थोड़ी सी मेहनत कर लें। इस तरह हमने जो अमली जद्दोजहद है उसका सब्स्टिट्यूट एक और निकाला हमने, और वो है वज़ाइफ, तस्बीहात। ये हमें बेअमली की तरफ ले गई हैं ये बातें, और काहिल लोग, बेअमल लोग, मेहनत से आरी लोग रब ताला को पसंद नहीं आते। अल्लाह सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदीन की तरह हर वक्त मेहनत और जद्दोजहद के लिए कमर कस के रखते हैं। इसलिए शायद हमारी जिंदगी में नाकामियां ज्यादा होना शुरू हो गई हैं। एक और अफसोसनाक चीज सामने आती है जो लोग दुआ के लिए तशरीफ लाते हैं। जब किसी भी इंसान से ये कहा जाता है कि आप कुरान पाक की तलावत कसरत से कीजिए, तो हैरानकुन तरीके पर हर आदमी की जुबान से एक ही जवाब आता है कि नहीं, वो तो ठीक है लेकिन वजीफा तो बताइए आप। ये बातें मुझे मालूम है कि तल्ख हैं, हर इंसान को बुरी लगती हैं ये बातें, लेकिन अमली तौर पर यही एक तजर्बा होता है लोगों से मिलने के बाद। भाइयों, कुरान पाक बहुत अजीम चीज है। जितने भी वजाइफ हैं, वो कोई अगर मुसलमान वजाइफ पढ़ने को आपको देगा तो कुरान पाक ही से होंगे। तो ये तो ऐसा ही है कि कोई शख्स आपको नोटों से भरा हुआ एक वॉलेट देना चाहे और आप उससे कहें कि नहीं ये तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर इसमें से 10 रुपए निकाल के मुझे दे दें तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा।